हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष मुद्दे के बारे में बात करेंगे, जो भी आपका GNM सेकंड काउंसलिंग एवं अपवर्ड मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, ज़्यादातर सभी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर आपको काफ़ी दिन हो गए हैं। आपका जो ना तो अभी अपवर्ड मूवमेंट है और ना ही आपका जो भी सेकंड काउंसलिंग है, उसके बारे में आपको एक जानकारी देंगे। और दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे फ्यूचर में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको वीडियो नहीं आ रहा था, कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था, और ये आज आपका एक महीने बाद, फाइनली एक महीने बाद वीडियो आया। आपका जो लास्ट वीडियो डाला था हमने, वो डाला था 29 मार्च को वीडियो डाला था, ठीक है ना, 29 मार्च को वीडियो डाला था। तो लगभग एक महीना हो गया, एक महीने में हमने कोई वीडियो नहीं डाला था GNM से रिगार्डिंग। क्योंकि दोस्तों, ना तो हमारे पास ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन थी और ना ऐसी कोई जानकारी थी ऑथेंटिक जो हम आपको बता सके। और काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे, तो हमने इसीलिए वीडियो नहीं बनाया था। और काफ़ी कमेंट करते हैं, सर आपके पास में कोई ऑथेंटिक न्यूज़ हो तभी आप वीडियो बनाया करो। देखो, हम आपकी बात समझते हैं कि वीडियो बनाना जब भी जरूरी है, ठीक है ना। वैसे भी हमने एक महीने में कोई वीडियो नहीं बनाया। इस वीडियो में भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे, वो कमेंट करेंगे कि सर आपको पता नहीं है तो आप क्यों इसमें वैसे भाषण दे रहे हो। हम एक तरह से कह सकते हो, आप कहने का मतलब ये है, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको एक जानकारी दे दें कि हाँ, मतलब सिंपैथी दिला दें कि कब तक क्या प्रोसीजर क्या होगा क्या नहीं होगा। वीडियो नहीं बनाने से तो अच्छा है कि आपको कुछ परेशानी है उनको थोड़ा कम करें, ठीक है ना। तो इसमें ये बात कहेंगे हम। अब आपकी जो भी है अपवर्ड मूवमेंट एंड सेकेंड काउंसलिंग को बहुत दिन हो चुके हैं, यानी समझ सकते हो आप 4 महीना हो चुका है दोस्तों। और एक स्टूडेंट ही जानता है 4 महीने की जो कीमत रहती है वो कितनी रहती है एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि आपका ना तो अभी अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, आप सभी स्टूडेंट परेशान हो रहे हो। हालांकि आपका अगर अपवर्ड मूवमेंट और सेकंड काउंसलिंग हो जाता तो आपकी क्लासेज कंटिन्यू चलती और आप भी कॉलेजों में जाकर के, अच्छी अच्छी कॉलेजों में जाकर के पढ़ाई कर सकती। लेकिन राज स्वास्थ्य इस बात को कहाँ मान रहा है, वो तो पता नहीं क्या सोए हुए हैं, पता नहीं राज स्वास्थ्य वालों का कोई पता नहीं है। अभी तक आपका अपवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ, ना ही आपका कोई सेकंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, अब आपकी जो भी राह हो वो आप हमें दें। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपका, देखो, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, उसके बाद में आपका मार्च निकल गया और आपका अप्रैल भी निकल चुका है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल अप्रैल निकल चुका है। अब आपका मई लगने वाला है, तो मई में ही आपकी जो काउंसलिंग है वो पॉसिबल होगी, ठीक है ना। मई में ही आपकी काउंसलिंग पॉसिबल होगी। और ये भी बात हम बता रहे हैं, आज से मतलब 2-4 दिन के अंदर अंदर हम आपको ये भी पता लगा के बता देंगे कि आपकी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा जो आपका सेशन है ना, वो अब बहुत डिले होने को जा रहा है, अगर ऐसा होता है, अगर आपका सेशन डिले होता है तो आपकी जो भी है अपवर्ड मूवमेंट एंड सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी, अगर इतना ज़्यादा डिले होगा सेशन तो, ठीक है ना। फिर आपका जो एडमिशन है वो 2023-24 में संभाला जाएगा, ना कि 2022-23 में, ठीक है ना। इसीलिए आपका जो भी है अपवर्ड मूवमेंट और जो सेकंड काउंसलिंग है वो मई में हो जाएगी। और हम आपको जल्दी से जल्दी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो जल्दी से जल्दी बताएंगे। और वैसे आपको पता है कि आप हमारे साथ जुड़े हो, तो पैनिक ना हो, जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। हमारा ऐसा कोई भी फालतू का वीडियो नहीं आता है जिस वीडियो में आपको गुमराह किया जाओ, फालतू में बता दें कि ये डेट वो डेट फलाना, ठीक है, गुमराह करने वाली जैसी कोई बात नहीं है। ना हम आपको कोई ऐसी वीडियो लाते रोजाना, एक वीडियो आइए, देखो एक महीने के बाद आइए, तो आप समझ सकते हो कि हम आपके लिए कितना कुछ सोचते हैं। क्योंकि अगर हम चाहते तो आपको रोज़ वीडियो डाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये बस एक तरह से कह सकते हो आपको कि जानकारी है अब आपका जो भी है। और हम उनसे डिपार्टमेंट वालों से बोलते हैं कि सर आप कुछ तो जवाब दीजिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए, तो वो बोलते हैं कि सर हम जवाब क्या दें, हमारा काम है ओनली जो भी रहता है डाटा को वहाँ पर चढ़ाना, ठीक है ना, डाटा को यानी जो भी है साइड पर डालना, और बाकी जो काम रहता है वो डिपार्टमेंट का रहता है। तो हमने उनको भी बोला कि सर डिपार्टमेंट भी करेगा तो कब तक करेगा, तो बोले सर डिपार्टमेंट से अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जैसे ही डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन आएगी हम यहाँ तो वेबसाइट पर डाल देंगे या आपसे बता देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आएगी डिपार्टमेंट वाले अभी कर देंगे तो हो जाएगा। और रही बात आपकी उसकी कि काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर राज स्वास्थ्य चले, देखो राज स्वास्थ्य ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और एक बार हम जा भी चुके हैं और एक बार और बीच में भी गए थे, बीच में जो CHO का मामला था उसके लिए भी धरना प्रदर्शन किया था वहीं राज स्वास्थ्य में, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा धरना वगैरह से एक दो स्टूडेंटों के होने से नहीं होता, इसके लिए पूरे स्टूडेंट चाहिए, कम से कम 200 से 300 स्टूडेंट चाहिए जब धरना वगैरह दिए जाते हैं, जब वहाँ पर बात सुनवाई होती है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कोई स्टूडेंट नहीं आता, लेकिन आपको हमने नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं, आप नंबरों पे कॉल करते रहिए और जैसे ही आपको आएगा नोटिफिकेशन हम आपको बता देंगे। आपको परेशान हो रहे हो, हम समझ सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं आप। लेकिन आप जितना वेट कर रहे हो इतना और कर लीजिए, जैसे ही आएगा। लेकिन अब दिन देरी लग रहा है, बस अब आपका जो अपवर्ड मूवमेंट है वो होने वाला है। तो मैं तो
मई तक आपका जो अपवर्ड मूवमेंट है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा मई, ठीक है ना, मई में आपका जो अपवर्ड मूवमेंट है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा और हम उनसे कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ लेके बिल्कुल विद प्रूफ आपको बता देंगे आने वाले 2-4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो आप चिंता ना लो, बिल्कुल पैनिक ना हो। और आप देखो, जब भी कोई न्यूज़ आएगी या वीडियो आएगी तो आपको कोई भी झूठी न्यूज़ नहीं आएगी इस चैनल के माध्यम से। आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले झूठी तो आप बिल्कुल बेझिझक आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना। बाकी आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो इतना तो आप कर ही सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो आप, जो भी है वेबसाइट पर भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला है, देख सकते हो आप। यहाँ पर भी उन्होंने ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाला, एक डाला है 27 मार्च के दिन डाला है, 27 मार्च के दिन डाला है। तो देख सकते हो आज 1 महीना हो चुका है इस चीज़ को, 1 महीना हो चुका है। तो देख सकते हो 27 तारीख का मार्च का ये यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, 27 मार्च के बाद में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका आएगा काउंसलिंग से रिगार्डिंग ही नोटिफिकेशन आएगा, और हम जल्दी से जल्दी आपकी जो काउंसलिंग है वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को तो बनाने का मकसद ये था कि आपके इतने ज़्यादा मैसेजेस, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, उसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। इसके भी हमने पीछे का रीज़न है कि आपके कम से कम 100-200 तो रोज़ के मैसेजेज आ रहे थे, और देख सकते हो आप यहाँ पर कितने मैसेज आए हैं स्टूडेंटों के। तो और भी कोई न्यूज़ होगी तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास में ये न्यूज़ है कि अभी आपका कोई भी अपवर्ड मूवमेंट से रिगार्डिंग कोई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही आती है हम आपको बता देंगे। और कोई भी स्टूडेंट एक बार फालतू कमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचे कि हम आपके लिए क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। फालतू कमेंट कोई स्टूडेंट ना करे, बाकी आपकी इच्छा। और आपको अगर कोई अच्छा सजेशन लगे तो आप हमें दो, ताकि हम भी उसको फॉलो करें और जो भी है आपकी काउंसलिंग के खिलाफ कोई एक्शन ले। अगर आप विद्यार्थियों के मन में कोई भी अगर ऐसा वो चल रहा हो, सवाल हो, या कोई भी आपके माइंड में ऐसी कोई आ रहे हो, थॉट आ रहे हो कि सर ये काम कर लो जब हमारी काउंसलिंग होने में पॉसिबिलिटी है, यानी कोई एक्शन हो, तो वो आप हमें बताओ। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। कॉल किया है, काफ़ी मेल करवाए थे आपसे, हम गए भी थे, लेकिन उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अब आपकी अगर कोई भी राह हो तो आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, उनको पढ़ के हम आपका रिप्लाई दे देंगे। और आपकी कोई भी ऐसी वो क्वेश्चन होता आप कर सकते हो। बाकी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।